नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज मधुबनी जिले की आज की खबरों के साथ मैं हूं अर्जुन। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मधुबनी में आज से जिला पदाधिकारी के निर्देश पर मेगा ड्राइव वैक्सीनेशन का शुभारंभ। पूरे जिले में बनाए गए हैं 306 से अधिक टीकाकरण केंद्र। 21 और 22 जून को दो दिनों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 1,00,000 लोगों को टीका लगाने का है लक्ष्य। कोसी दियारा के क्षेत्रों में 7 पंचायतों में संभावित बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियों का आज डीएम ने लिया जायजा। मधेपुर प्रखंड के टीपीसी भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में डीएम ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। झंझारपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र नवानी को बिहार फाउंडेशन ने उपलब्ध कराया ऑक्सीजन सिलेंडर और मेटर्निटी किट्स। अस्पताल को जल्द ही मिलेगा सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मी। शराब कारोबार का पुलिस द्वारा किया जा रहा है लगातार उद्भेदन। पिछले 3 दिनों में लगातार बरामद हो रहे हैं भारी मात्रा में शराब। आज रहौली गांव में पुलिस ने एक छापेमारी कर 7,428 बोतल अंग्रेजी शराब को किया जब्त। मिली पुलिस को बड़ी कामयाबी। घोड़िया नगर पंचायत के कई जगहों पर बिजली के खंभे पर लगाए गए स्ट्रीट लाइट महीनों से खराब। स्ट्रीट लाइट के खराब होने से बाजार में छाया रहता है अंधेरा। स्ट्रीट लाइट एजेंसी की मनमानी और नगर पंचायत प्रशासन की उस पर मौन सहमति से शहर के व्यवसायियों में आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। बिस्पी थाना क्षेत्र के रघोली गांव में पत्थर से गिट्टी बनाने वाले मिक्सर मशीन के पीछे बने एक मकान से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया। बिस्पी थाना पुलिस को यह कार्रवाई कंट्रोल रूम पटना से मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर शराब अड्डे पर छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। पुलिस ने रघोली गांव निवासी अंशु ठाकुर और छोटू ठाकुर और बगीश ठाकुर और सालू ठाकुर के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि अंशु ठाकुर और सालू ठाकुर दोनों बड़े शराब माफिया हैं। आपको बता दें कि पूर्ण शराब बंदी वाले राज्य में शराब कारोबार के खिलाफ बिस्पी पुलिस के लिए यह 3 दिनों में दूसरी बड़ी सफलता है। बीते शनिवार को भी बिस्पी पुलिस ने 2-4 पहिया वाहनों के साथ भारी मात्रा में शराब को पकड़ा। बिस्पी थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि शराब कारोबारी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शराब धंधेबाज को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मधेपुर प्रखंड का 7 पंचायत कोसी दियारा क्षेत्र अंतर्गत आता है, जहां प्रत्येक साल बरसात के मौसम में भीषण बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 7 दशक बाद भी इन 7 पंचायतों में बरसात के समय आने जाने के लिए 9 ही एकमात्र सहारा, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। बरसात शुरू होते ही ये 7 पंचायत अपने प्रखंड मुख्यालय से कटकर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। विशेष परिस्थिति में लोग नाव के सहारे ही केवल आते जाते हैं। जिला प्रशासन हर बार कोसी दियारा के क्षेत्रों में आने वाली संभावित बाढ़ से निपटने के लिए अपने स्तर से तैयारियां जरूर करती है। बड़े ही भीषण बाढ़ से निपटने के लिए लोग आज भी अपने स्तर से ही प्रयास करते हैं और उसी के सहारे मुसीबत को झेल पाते हैं। आज पुनः एक बार फिर से जिला प्रशासन द्वारा कोसी दियारा के क्षेत्रों में संभावित बाढ़ से निपटने के लिए किए गए तैयारियों का आज जिलाधिकारी अमित कुमार ने जायजा लिया। मधेपुर प्रखंड के डीपीसी भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद डीएम ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोसी दियारा में बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर क्या कहते हैं जिलाधिकारी, आइए जानते हैं। मधेपुर में 26 पंचायतें हैं, हम जानते हैं, और अमूमन सभी पंचायतों में बाढ़ का पानी रहता है। यहाँ पर 7 पंचायतें वैसी हैं जहाँ पर पूर्ण रूप से बाढ़ का पानी का असर आता है। तो उन सब पंचायतों में अपनी तैयारियाँ कैसी हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जिसको हम लोग कहते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर तैयारियों की स्थिति क्या है, इसी का एक रिव्यू हमने यहाँ पर रखा है। तो सभी बातें हुई, जितने नाव हैं, लाइफ जैकेट, मोटर बोट, जितने भी हमारी टीम्स यहाँ पर फॉर्म होंगी, मेडिकल टीम हो, जो हमारे बाढ़ राहत केंद्र चलेंगे,
उन सब की एक एक जानकारी हमने सीओ से ली। कोसी दियारा क्षेत्रों में बाढ़ के साथ साथ कोविड 19 टीकाकरण को लेकर भी जिला प्रशासन गंभीर है। कोसी दियारा क्षेत्रों में बाढ़ के समय टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियों को लेकर डीएम ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि वैक्सीनेशन के ऊपर खास तौर से जो 7 पंचायतें मैंने आपको बताया, उन पंचायतों में चूंकि पानी आएगा ऐसा प्रयास रहा है, तो उन पंचायतों में जब पानी है उसके पहले हम जाके सब लोगों को टीका से आच्छादित कर रहे हैं। और जितना हमारे फ्लड फाइटर्स हैं उन सब लोगों को भी हम लोग टीका पहले से दे लें, इसके बारे में भी समीक्षा हुई। तो सभी तैयारियों को देखा गया है और अभी अगले 10 रोज और हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। 7 रोज के बाद में फिर से आके यहाँ का एक रिव्यू ब्लॉक के प्रभारी करें, जो डायरेक्शन हुआ उसका अनुपालन उनसे हम प्राप्त करेंगे। झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के नवाड़ी गांव स्थित दुर्गा रामेश्वर प्राथमिक उच्च स्वास्थ्य केंद्र को बिहार फाउंडेशन संस्था के प्रबंधक सुभाष चंद्रा ने आज 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 4 ऑक्सीजन सिलेंडर और 4 ऑक्सीजन प्रोमीटर की पूरी किट अस्पताल प्रभारी मोनी कुमारी को उपलब्ध कराया। नवाड़ी अस्पताल पहुंचे डॉक्टर रमेश चंद्रा और डॉक्टर सुधा चंद्रा द्वारा मेटरनिटी किट्स भी उपलब्ध कराए गए। इस मौके पर झंझारपुर के एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी और पीएससी के प्रभारी डॉक्टर मुकेश कुमार ने बिहार फाउंडेशन के प्रबंधक सुभाष चंद्रा, डॉक्टर रमेश चंद्रा, डॉक्टर सुधा चंद्रा, डॉक्टर राजकिशोर लाल दास और विनोद लाल दास को पाग गुप्ता से सम्मानित कर इस नेक कार्य के लिए उनके प्रति आभार जताया। सम्मानित करने के बाद झंझारपुर के एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य उपकरण मिलने से यहां आने वाले मरीजों को इलाज कराने में काफी सुविधा होगी। बिहार फाउंडेशन के प्रबंधक सुभाष चंद्रा ने कहा कि बिहार फाउंडेशन प्रवासियों के लिए लगातार काम कर रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के दृष्टिकोण से ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं और आगे भी उपलब्ध कराते रहेंगे। भोरिया नगर पंचायत में कई जगहों पर नगर पंचायत प्रशासन द्वारा बिजली के खंभे पर लगाए गए स्ट्रीट लाइट महीनों से खराब पड़ा है। स्ट्रीट लाइट के फ्यूज होकर बंद रहने से घोड़िया बाजार में रात के समय में अंधेरा छाया रहता है। बाजार के व्यवसायी रात के अंधेरे में होने वाले आपराधिक घटनाओं को लेकर काफी सशंकित है। व्यवसायियों द्वारा कई बार नगर प्रशासन से बंद पड़े खराब स्ट्रीट लाइट को ठीक कर चालू करवाने की गुहार लगा चुके हैं। शहर में स्ट्रीट लाइट लगाने वाली एजेंसी की मनमानी को लगता है नगर पंचायत प्रशासन की मौन सहमति है। तभी शिकायत मिलने के बावजूद भी नगर प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। पिछले ही वर्ष लाखों रुपए की लागत से सभी वार्डों में जगह जगह बिजली के खंभे पर लगाए गए थे ये स्ट्रीट लाइट। घोड़िया बाजार में महीनों से खराब पड़े स्ट्रीट लाइट को लेकर व्यवसायियों में किस कदर रोष है, आइए जानते हैं। व्यवस्था आज से कुछ दिन पहले इतनी नई लाइट लगी थी दो रोड के बगल में, लेकिन प्रायः हम मेरे बस स्टैंड के सामने में ही देखते हैं 4-5 गो पोल पर लाइट काफी दिनों से नहीं चले, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। आप लोग शिकायत नहीं किए हैं नगर प्रशासन? किसको करेंगे? नगर पंचायत प्रशासन को। नगर पंचायत तो देख ही रहे कि क्या हालत है बाजार का। अब बाजार में जो देख रहे पशु चारा का बना दिया गया, बकरी गाय भैंस कोई देखने वाला नहीं है। एक्सीडेंट बराबर होता है, देखते रहते हैं हम लोग प्रतिष्ठान के सामने में देखते हैं कि एक्सीडेंट होता है, लेकिन कहीं कोई देखने वाला है, कोई देखने वाला नहीं। और क्या समस्या है नगर पंचायत में? अब बगल में रोड के बगल में दोनों तरफ देख नाला है, और नाला में देखते हैं कि मच्छरों का हम लोग को जीना हराम हो जाता है सामने, कि कहीं कोई छिड़काव। अब कितना दिन से छिड़काव नहीं हुआ? आज से लगता है 10 दिन पहले हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। साफ सफाई का क्या? साफ सफाई तो होती रहती है, लेकिन फिर भी गंदगी तो है। आज पूरे जिले में जिला पदाधिकारी के निर्देश पर मेगा ड्राइव वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया। इसके लिए पूरे जिले में 306 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। हमारे पास जिले के अलग अलग हिस्सों से टीकाकरण केंद्रों से निकल कर तस्वीरें सामने आ रही है, जहाँ लोगों में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह है। काफी संख्या में लोग टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। यह मेगा ड्राइव वैक्सीनेशन 21 और 22 जून तक 2 दिनों के लिए है, जहां एक दिन में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 1 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य है। अगर आपकी उम्र
18 वर्ष को पार कर गई है तो अपनी नजदीकी टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। वैश्विक महामारी के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान में सभी का सहयोग जरूरी है। सभी के सहयोग से ही देश को कोरोना के खिलाफ विजयश्री मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को इजाजत। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।